अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का आखिर बनता है। आज का तबसरा अहम कह सकते हैं। हमने कल के वीडियो में बताया था कि वोटिंग के फीसद में इजाफा जरूर हुआ है और यह इजाफा मुस्लिम वोटरों का कहना गलत न होगा। बेलगाम शहर में तकरीबन 256 बूथ हैं और आज खासकर मुस्लिम वोटर्स ने कितना फीसद वोट किया है इस पर बात करते हैं और साथ में मुल्की सतह पर सत्ता परिवर्तन यानी हुकूमत तब्दीली की तस्वीर भी आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। किस रियासत पर कितनी सीटें हासिल एनडीए हो या इंडिया गठबंधन ले सकता है इस पर भी बात करते हैं। एक तरह का एग्जिट पोल कह सकते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन मोदी सरकार को कितना नुकसान हो रहा है और इंडिया गठबंधन कैसे हुकूमत बना सकती है इसका एक अंदाजा पेश करने की कोशिश हमने भी की है। बात बेलगाम से ही शुरू करते हैं यानी कि तमाम 256 बूथों का तो हम यहाँ पर पूरी तबसरा नहीं कर सकते, पूरी तफसीलात पेश नहीं कर सकते लेकिन कुछ इलाकों का हम यहाँ पर रख सकते हैं। सुबह नमाज के बाद मुस्लिम वोटरों की तवील कतारें देखने को मिली, खासकर गांधीनगर, आज़ाद नगर, न्यू गांधीनगर, अगमन नगर, वीरभद्र नगर, फोर्ट रोड, कसई गली, खंजर गली, घी गली, काकतीवेस, आजम नगर, अशोक नगर, संगमेश्वर नगर, वड़गांव, अनुगुल, शाहपुर, इन इलाकों के बूथों में कितनी वोटिंग हुई। वैसे बेलगाम हल्के की वोटिंग तकरीबन 13 लाख बताई जा रही है और इत्तला ये भी है कि रामदुर्ग, सौंदत्ती, मुनवली, बैलोंगल इलाकों में भाजपा को भी अच्छी वोटिंग हुई है। शहर के दीगर इलाकों में भी भाजपा के लिए वोटिंग हुई है वो अलग बात है। इन इलाकों में भी मुसलमानों की वोटिंग कांग्रेस के हक में की गई यानी कि जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर कांग्रेस के हक में वोटिंग की गई। अगर सरासरी तौर पर अगर बात की जाए तो 65% से 70-75% तक मुसलमानों ने वोटिंग की है। कुछ पिछड़ी जाति के लोगों ने भी बजाय कांग्रेस के भाजपा को वोटिंग की है, ये भी काबिले तवज्जो बात इस चुनाव में रही। कांग्रेस की 5 गारंटियां भी कांग्रेस को कर्नाटक में बढ़त मिलाने की वजह जरूर बन सकती है। खासकर खवातीनों में यह कहते हुए देखा गया कि मोदी सिर्फ जुमलेबाजी करते रहे लिहाजा कर्नाटक में कांग्रेस की 5 गारंटियां हमारे रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का सबब बने हुए। घर की खातून को 2000 रुपए से लेकर मुफ्त बसों का सफर भी इस चुनाव का अहम मुद्दा रहा। मुसलमानों में सरकार की स्कीमों से ज्यादा भाजपा विरोध में वोट करते देखा गया। किसी हाल में मोदी को भगाया जाए इसी जहनियत से मुतासिर मुसलमानों को देखा गया। एक तरह से जालिम बादशाह को इख्तदार से हटाने की बात कही जा रही। खैर तेलंगाना में मोदी हुकूमत के बौखलाहट और हारने के आसार साफ नजर आ रहे हैं। जहां खुद वजीर आजम मोदी के जानिसार दोस्त अडानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेने वाले कल खुलेआम अडानी अंबानी का नाम लेते हुए देखा गया और उल्टा कांग्रेस ही पर टेम्पो में नोट भर भर के देने का इल्जाम मोदी साहब लगा रहे थे तो इनकी एक बौखलाहट साफ नजर आ रही थी। इससे साफ हो गया कि मोदी की गारंटी अब हारने की वजह बन चुकी है। लिहाजा भाजपा और कांग्रेस कितनी सीट हासिल करते हैं इसका भी जिक्र करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, आखिर तक बने रहिए। बेलगाम कर्नाटक में कांग्रेस 15 से 18 तक सीटें हासिल कर सकती है, भाजपा 10 से 12 हासिल कर सकती है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस महज एक ही सीट पर कामयाबी दर्ज कर चुकी थी। बेलगाम और चिक्कोड़ी दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी ऐसा इस बार कहा जा रहा है लेकिन बहुत बड़ी बढ़त हासिल होगी ऐसा नहीं लग रहा है लेकिन जीत यकीनी बताई जा रही है क्योंकि भाजपा को भी अच्छी वोटिंग बेलगाम चिक्कोड़ी में हुई है। पर 10-20 हजार की बढ़त से कांग्रेस उम्मीदवार जीत सकते हैं। मुकाबला इतना आसान भी न समझे क्योंकि आवाम में कांग्रेस आसानी से जीत सकती है ऐसा कयास लगाया जा रहा है तो भाजपा भी दोनों तरफ जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। बेलगाम में कौन से मोहल्ले में कितनी वोटिंग हुई खासकर जहां मुस्लिम आबादी है इसके तफसीलात पर एक नजर डालते हैं। बेलगाम शहर के 3 इलाकों में सबसे अच्छी वोटिंग कह सकते हैं जिसमें अमन नगर, वीरभद्र नगर और आजाद नगर। यहाँ पर 72% के करीब वोटिंग हुआ है। अमन नगर बूथ में 7662 वोट है जिसमें से 5549 वोट पड़े मतलब 72% से कुछ ज्यादा 72.4। आजाद नगर बूथ में 6106 वोट थे जिसमें से 4386 मतलब 72% यहां पर भी वोटिंग हुई है। न्यू गांधीनगर 6363 जहां पर वोटिंग हुई है 4408 मतलब 69% वोटिंग। ओल्ड गांधीनगर में 7422 वोट है वहां पर लोगों ने 4847 वोट किए हैं मतलब 98.1% वोटिंग हुई है। अशोकनगर बूथ में 4168 वोट 2729 लोगों ने यहां पर वोटिंग की है 65% मतलब 65.6% वोटिंग हुई है। रामनगर बूथ में 5623 आवाम ने की है 3676 मतलब 65% यहां पर भी मतलब 65.5। वीरभद्र नगर में वोटिंग काफी अच्छी हुई है 4121 वोटर्स है वहां पर 2956 वोट किए गए 71.9 मतलब 72% यहां पर भी वोटिंग हुई है।
शिवाजी नगर बूथ में 10,568 वोट, वहां पर आवाम ने की है 6,877 मतलब 65.7। वैभव नगर में 3,047 वोट हैं, वहां पर आवाम ने की वोटिंग 1,911 मतलब 62% से कुछ ज्यादा 62.5। आजमनगर में 7,511 वोट हैं, वहां पर लोगों ने वोटिंग की है 4,912 मतलब 65.3। भेंडी बाजार बाशीबन में 4,798 वोटर्स हैं, वहां पर आवाम ने की है 3,159 मतलब 65.7 वोटिंग वहां पर हुई है। खंजरगली स्कूल जहां पर 5,812 वोट हैं, अवाम ने 3,944 वोटिंग हुई है। अगर फीसद के हिसाब से देखा जाए तो 67.8% वोटिंग यहां पर हुई है। कक्तिवेश में 7,435 वोटिंग है, वहां पर लोगों ने वोटिंग की है 5,186 मतलब 69% वोटिंग यहां पर हुई है। मालीगली फोर्ट रोड यहां पर 1,432 लोगों ने 980 वोटिंग की है, अगर फीसद के हिसाब से 68.9% वोटिंग हुई है। चवाड़ गली में 4,587 वोटिंग कुल मिलाकर है, वहां पर आवाम ने वोटिंग की है 2,921 अगर फीसद के हिसाब से 64.7% वोटिंग हुई है। शेट्टी गली स्कूल में 3,791 वोटिंग है, वहां पर आवाम ने की है 2,554 यानी कि 67% वोटिंग हुई है। भड़कल गली में 2,253 वोटिंग है, वहां पर आवाम ने की है 1,533 मतलब अगर फीसद के हिसाब से 67.6% वोटिंग हुई है। मानतेश नगर में 12,014 वोटर्स हैं, वहां पर वोटिंग हुई है 7,598 मतलब 64% यहां पर भी वोटिंग हुई है। शिव बसव नगर में 4,275 वोटिंग है, 2,670 वोटिंग वहां हुई है अगर फीसद के हिसाब से 62.8% वोटिंग वहां पर की गई है। सदावशी नगर में 7,215 है लोगों ने वोटिंग की है 4,196 यानी कि 58% वहां पर वोटिंग हुई है। कैंप में इस बार भी वोटिंग कम रही, कुल मिलाकर 15,400 वोटिंग है, यहां पर आवाम ने 7,897 यानी कि आधा मतलब 51.2% वोटिंग यहां पर हुई है। फोर्ट रोड पर 4,396 कुल वोटिंग है, वहां पर आवाम ने की है 2,914 मतलब 66% वोटिंग यहां पर हुई है। रुक्मिणी नगर में 5,062 कुल मिलाकर वोटिंग है, वहां पर आवाम ने की है 3,329 मतलब 65.6% वोटिंग। इस तरह से ये वोटिंग फीसद बेलगाम शहर का रहा जहां पर अक्सरियत मुस्लिम है। कुछ इलाकों में दिगर समाज के भी लोग हैं जहां पर कम हुई है, लेकिन अगर मुस्लिम इलाकों का जायजा लिया जाए तो 65% से लेकर 70-75% तक वोटिंग हुई है। ये थे तकरीबन बेलगाम शहर की अक्सरियत मुस्लिम वोटर्स और यहाँ का फीसद। जहां दिगर आबादी है वहां आप गौर करेंगे तो वोटिंग कम हुई है। ये तमाम बातें आपको इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि कुछ लोग बेलगाम उत्तर की वोटिंग कम हुई है अफवाह फैला रहे थे और खासकर मुसलमानों ने वोटिंग नहीं की इस तरह की भी बातें वोटिंग के दिन कही जा रही थी। ये भी याद रखें कि अक्सर नौजवान इदारे तंजीमें किसी पार्टी से रुपया लिए बगैर खिदमात अंजाम दे रहे थे, वो तो कुछ लोग थे जिन्होंने अपने हाथ गीले किए हैं, वो अलग मामला है। ये अलग बात है कि अब इन खिदमात का सिला क्या मिलता है। तमाम जद्दोजहद सिर्फ इसलिए क्योंकि मुल्क का संविधान बचा रहे, नफरत गिरो अख्तदार से बेदखल हो, ऐसा बादशाह जो सिर्फ नफरत परोसने का ही शौक रखता हो। लिहाजा इस बार मुल्क के अवाम ने फैसला शायद कर ही लिया है कि इसे अख्तदार से उतारा जाए और मुल्क की बेहतरी के लिए सेक्युलर हुकूमत को लाया जाए। जैसा हमने ऊपर कहा कि मुल्क की तस्वीर कैसे होगी, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। कर्नाटक में 15-18 अगर बेलगाम चिक्कोड़ी को जोड़ लिया जाए तो 20 तक सीटें कांग्रेस जीत सकती है। इसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की, यहाँ कुल 39 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन यहाँ 38 सीटें जीत सकती है, एनडीए को यहाँ 0 मिल सकते हैं। केरल में 20 में से पूरी 20 सीटें इंडिया गठबंधन को हासिल हो सकती है, ऐसा सर्वे है। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश जहाँ हिंदू मुस्लिम के सिवा दूसरी बात ही नहीं चलती, यहाँ सबसे ज्यादा कुल 80 सीटें हैं। कहते हैं कि हुकूमत का रास्ता इसी रियासत से होकर गुजरता है तो इस बार भाजपा का बड़ा नुकसान हो रहा है। वैसे योगी तो तस्वीर से बाहर ही हैं, आखिर योगी का चेहरा क्यों नजर नहीं आ रहा यह भी समझने की जरूरत है। यूपी में एनडीए को 46 तो इंडिया गठबंधन को 32 सीटें हासिल हो रही है। इसी तरह महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं, उद्धव ठाकरे को बढ़त मिल रही है, मतलब इंडिया गठबंधन को 24 तो एनडीए को 23 सीटें और दिगर एक सीट हासिल कर सकती है। बिहार में 40 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन को यहां भी बढ़त बनाए हुए देखने को मिल रहा है, इंडिया को 21 तो एनडीए को 18
और दिगर एक सीट पर कामयाब हो सकती है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को यहां पर 25 सीटें हासिल हो सकती है, कांग्रेस को 5 और एनडीए को 12 सीटें हासिल हो सकती है। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, यहां इंडिया गठबंधन को 12, एनडीए को 2 और दिगर 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए को यहां पर 20 सीटें हासिल हो सकती है और इंडिया गठबंधन को 9 सीटें हासिल हो सकती है। राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं, पिछले चुनाव में पूरे की पूरे भाजपा ने जीत हासिल की थी, जिसमें एनडीए को 18 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है तो इंडिया गठबंधन 7 पर जीत हासिल कर सकती है। दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं, एनडीए 4 और इंडिया गठबंधन 3 पर जीत दर्ज कर सकता है। पंजाब में कुल 13 सीटें हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन को 10, एनडीए को 0 और आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती है। उत्तराखंड में एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन को 2 मिल सकती है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। आप ऊपर के आंकड़ों पर भी नजर बनाए रखें, कैसे इंडिया गठबंधन सरकार बनाते हुए यानी कि आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कुल 543 में से अब तक 162 एनडीए को और इंडिया गठबंधन को 205 सीटें और दिगर को 36 सीटें हासिल होती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं, एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 और जगमोहन रेड्डी की पार्टी को 19 सीटें हासिल हो रही है। उड़ीसा में कुल लोकसभा की 21 सीटें हैं, एनडीए को 8, इंडिया गठबंधन को 2 और दिगर 11 सीटें हासिल कर सकती है। आसाम में 14 लोकसभा सीटें, एनडीए को 7, इंडिया गठबंधन को 6 और दिगर को 1 सीट पर कामयाबी हासिल हो सकती है। झारखंड में भी 14 लोकसभा सीटें हैं, एनडीए को 6, इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती है। गुजरात भाजपा का गढ़ कहा जाता है, पिछली मर्तबा यहां पर भी पूरी सीटों पर भाजपा जीत चुकी थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलने के इम्कान है तो एनडीए को 22 सीटें हासिल हो सकती है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए को 9, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें हासिल हो सकती हैं। अब बात गोवा की करते हैं, बेलगाम का पड़ोसी सूबा, यहाँ 2 लोकसभा की सीटें, एक एनडीए को और एक इंडिया गठबंधन को यहाँ सीटें मिलती नजर आ रही है। इसी तरह मणिपुर में भी 2 लोकसभा की सीटें हैं। जाहिर है मणिपुर को लेकर भाजपा के खिलाफ आवाम में नाराजगी देखी जाती है और इसका फायदा पूरा कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को हो रहा है। यहाँ की दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज कर रही है। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा यहाँ 2-2 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ एक एनडीए को तो एक इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहे हैं। दोनों रियासतों में इसी तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में कुल 5 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ इंडिया गठबंधन को 4 और एनडीए को 1 सीट मिल रही है। मेघालय में 2 लोकसभा की सीटें हैं और दोनों भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके बाद बात करते हैं मिजोरम और सिक्किम की, यहाँ 1-1 लोकसभा की सीटें हैं, यानी कि सिक्किम में 1 और मिजोरम में 1। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी की हुकूमत है और इसी के खाते में 1 सीट जा रही है। वहीं दूसरी ओर सिक्किम में इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हो रही है। सिक्किम में 1 लोकसभा सीट है जो इंडिया गठबंधन को मिल रही है। इसी तरह हिमाचल में 4 लोकसभा की सीटें हैं और एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल रही है। नागालैंड में 1 लोकसभा की सीट है और ये इंडिया गठबंधन को मिल रही है। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरी यानी मरकजी हुकूमत के जेर मातहत चलने वाली रियासतें जो 7 हैं, जिसमें अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दीव दमन लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, यहाँ पर एनडीए को 2 और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल रही है। अगर फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इंडिया गठबंधन जरूर आगे है लेकिन अक्सरियत से अभी भी दूर है। 249 इंडिया गठबंधन को तो भाजपा की एनडीए को 226 मिल सकते हैं, दिगर पार्टियों को 68 सीटें मिल रही। यकीनन खरीदो फरोख्त की सियासत में भाजपा आगे है लेकिन इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ी पार्टी होने का फायदा मिल सकता है, लिहाजा सत्ता परिवर्तन हो सकता है, ऐसे इम्कान नजर आ रहे हैं। यह मुख्तसर ओपिनियन पोल इत्तेहाद न्यूज की जानिब से एक कोशिश हमने भी की है, किसी तरह मुख्तसर वसाइल को इस्तेमाल करके एक अंदाजा है। उम्मीद करते हैं कि इस बार मरकज में सेक्युलर हुकूमत है। आज का ये तबसरा ये ओपिनियन पोल आपको कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।